मकड़ी की जाले की तरह उलझी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आज तक किसी ने न देखी न सुनी। वो आज तक की सबसे रहस्यमय हत्या थी जिसका अपराधी मृतक के माता पिता को ही माना जा रहा था। अदालत ने भी उन्हें सजा दे दी थी, लेकिन जब विजय और विकास सच की तलाश में निकले तो सामने आया दुनिया का सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का रहस्य। दोस्तों, ये एक ऐसा नॉवल है जिसमें हम लोगों को वन ऑफ द बेस्ट थ्रिल, सस्पेंस और मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री देखने और सुनने को मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस नॉवल को एक ही वीडियो में डाल पाना नामुमकिन है। इस नॉवल में करीबन 350 पेजेस हैं, तो मैं इस नॉवल को कोशिश करूँगा कि हर 2-3 दिन में चैप्टर वाइज आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा पाऊँ। वैसे अगर आप लोग इस नॉवल को पूरा सुनोगे तो आपको डेफिनेटली इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस नॉवल का पूरा मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप उस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो कहीं पे, या उस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो कहीं पे, ताकि कभी भी आके आप नए वीडियोस इस प्लेलिस्ट में इस नॉवल के बारे में सुन पाओ या जान पाओ। तो दोस्तों, इस नॉवल को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में जो भी आपको कहना है, बोलना है, फीडबैक देना है, कुछ भी अगर पूछने को रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में आके बता सकते हो। ओके, तो इस नॉवेल को शुरू करने जा रहे हैं आज से इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, अध्याय 1, फ्लैट नंबर A74, यशोदा कुंज, राजनगर। रात के 2:30 बजने वाले थे, हर तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा था, उस कमरे में भी जिसमें 5 व्यक्ति मौजूद थे। एक के जिस्म पर पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी थी। वो सख्त चेहरे वाला काफी तंदुरुस्त और लंबा व्यक्ति था। वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था राघवन मजुमदार। उसके बगल में खड़े अधीर उम्र के शख्स ने हाफ बाजू की टी शर्ट और पैंट पहनी रखी थी। उसके भारी वर्कम चेहरे पर ऐसा वाव थे जैसे कमरे में जो कुछ हो रहा था उसका वश चलता तो उसे तुरंत रोक देता। कमरे में जो हो रहा था वो बेहद रहस्यपूर्ण था। अधीर उम्र का एक दूसरा आदमी नाइट सूट पहने डबल बेड पर पालथी मारे बैठा था। अपने ठीक सामने उसने एक के ऊपर एक 2 तकिया रखे हुए थे और तकियों पर था लैपटॉप। लैपटॉप पर इंटरनेट खुला हुआ था। बेड के दूसरे सिर पर नाइट गाउन पहने एक औरत ऐसी मुद्रा में लेटी थी जैसे सो रही हो। उसकी पीठ लैपटॉप पर काम कर रहे अधीर उम्र की तरफ थी। कमरे में मौजूद 5वां शख्स एक युवक था। उसके हाथों में मौजूद ऑन वीडियो कैमरा का रुख बेड की तरफ था। लैपटॉप पर इंटरनेट खोले बैठा शख्स अपने काम में इस कदर मशगूल था जैसे कमरे में मौजूद अन्य 4 व्यक्तियों की मौजूदगी का एहसास ही ना हो, जैसे उसे ये भी मालूम ना हो कि एक युवक उसकी वीडियो फिल्म बना रहा है। अचानक एक आवाज़ हुई। लैपटॉप पर काम करने वाले शख्स का केवल ध्यान भंग हुआ बल्कि चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। आवाज़ कमरे के बाहर हुई थी। अजीब से खटके की आवाज़ थी वो। लैपटॉप पर काम करने वाले आदमी के चेहरे पर कुछ देर तक ऐसा भाव रहे जैसे सोच रहा हो कि उस आवाज़ का कारण जानने के लिए बेड से उठे या नहीं। फिर उठा और दरवाजा की तरफ आगे बढ़ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि खटके की जिस आवाज़ ने उस पर प्रतिक्रिया की थी उसने इंस्पेक्टर राघवन टी शर्ट पहने अधेर या वीडियो बनाने वाले को जरा भी नहीं चौंकाया था। जैसे उनमें से किसी ने वो आवाज़ सुनी ही ना हो। वीडियो फिल्म बनाने वाले का कैमरा लैपटॉप पर काम करने वाले का पीछा करता रहा। टी शर्ट पहने अधेर के भारी वर्कम चेहरे पर पहले से कैबिज बेचाने की भावों में इजाफा शुरू हो गया था। आश्चर्य की ये बात और थी ये कि लैपटॉप पर काम करने वाला शख्स ने अब भी उनमें से किसी की तरफ देखा तक नहीं। ठीक इसी तरह दरवाजे के करीब पहुँचा जैसे उसकी नॉलेज के मुताबिक वे लोग कमरे में हो ही नहीं, अकेला ही हो वो। दरवाजे की चटकनी कमरे की तरफ ऐसे बंद थी जिसे उसने नीचे गिराया और बहुत ही आहिस्ता से इस तरह किवाड़ खोला कि जरा भी आवाज़ पैदा ना हो, जैसे चाहता हो कि उसके बाहर निकलने के बारे में किसी को पता ना लगे। छोटी सी लॉबी में झांका। हालांकि लॉबी में कोई बल्ब, ट्यूब या सीएफएल आदि रोशन नहीं थी, मगर फिर भी इतना अंधेरा ना था कि वो वहाँ मौजूद अन्य उन 4 व्यक्ति को ना देखा जा सके जिसमें से 3 के जिस्मों पर पुलिस की वर्दी थी। चौथे के हाथों में वैसा ही वीडियो कैमरा था जैसे
कमरे में मौजूद युवक के हाथ में हो। उस वीडियो कैमरा का निशाना भी वही शख्स था जो लॉबी और कमरे के दरवाजे के बीच से लॉबी की तरफ झांकता नजर आ रहा था। मगर आश्चर्य, घोर आश्चर्य, दरवाजे पर खड़े शख्स के चेहरे पर अब भी ऐसा कोई भाव नहीं उभरा जैसे उसने लॉबी में मौजूद चार लोगों को देखा हो, बल्कि अंदाज ऐसा था जैसे लॉबी को खाली समझ रहा हो। उसने दबे भाव, ऐसे भाव से लॉबी में कदम रखा जैसे चाहता हो कि किसी को उसके वहां आने की आहट ना मिले। उधर कमरे में मौजूद उस औरत उसी तरह पीठ किए हुए लेटी रही थी जैसे उसे पता ही ना हो कि वहां क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर राघवन मजुमदार ने अपनी बगल में खड़ी टी शर्ट पहने अधेर उम्र शख्स का बाजू पकड़ा और लगभग जबरदस्ती अपने साथ खींचता सा उस दरवाजे की तरफ ले गया जिसे लैपटॉप पर काम करने वाले ने कुछ ही देर पहले पार किया था। अधेर के भारी वर्कम चेहरे पर मौजूद पहचानी के भाव अब ऐसे भाव में तब्दील होने लगे थे जैसे अभी रो देगा। विरोध स्वरूप उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इंस्पेक्टर राघवन ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर सख्ती के ऐसे भाव थे जो बता रहे थे कि यदि अधेर के मुंह से जरा भी आवाज निकली तो वह उसे कच्चा चबा जाएगा। उनके साथ कैमरे वाला युवक भी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने अपना कैमरा ऑफ कर लिया था मगर लॉबी में मौजूद युवक का कैमरा न केवल ऑन था बल्कि निरंतर नाइट सूट पहने शख्स की और गतिविधि को कैद कर रहा था। फर्नीचर के नाम पर लॉबी में एक डाइनिंग टेबल और उसके चारों तरफ बड़ी 6 चेयर्स थी। डाइनिंग टेबल पर विस्की की बोतल और कांच के 2 ग्लास रखे हुए थे। नाइट सूट वाला दबे पाव लॉबी के दूसरे सिरे पर मौजूद एक अन्य कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मुंह से जरा भी आवाज निकाले बगैर बंद दरवाजे को अंदर की तरफ ढकेला। दरवाजा अंदर से बंद ना था क्योंकि वो उसके ढकेलते ही खुल गया। बाकी लोग पूरी खामोशी के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े उस रहस्यमय तमाशों को देखते रहे थे जबकि अपने कैमरे को चालू रखे कैमरे वाला ना केवल नाइट सूट वाले के पीछे लपका बल्कि उसके पीछे पीछे उस कमरे में दाखिल भी हो गया जो पिछले कमरे के मुकाबले काफ़ी छोटा था। इतना छोटा था कि उसमें डबल बेड तक नहीं आ सकता था। कमरे के एक कोने में एक फोल्डिंग पलंग पड़ा हुआ था। उस पर दरी और साधारण सी चादर बिछी हुई थी। पलंग के सिरहाने एक स्टूल था। स्टूल पर पानी से भरी प्लास्टिक की बोतल, वीडियो कैमरा नाइट सूट वाले की हर गतिविधि को कैद कर रहा था जबकि उसके चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आने लगे थे। जबड़े कस गए थे, चेहरा सूख होने लगा था। खाली कमरे में पेन होती उसकी आंखें एक कोने पर खड़ी 2 पाकियों पर स्थित हो गई। फिर अजीब से जुनून में नजर आ रहा वो उस कोने की तरफ बढ़ा और अगले ही पल हाथ बढ़ाकर एक हॉकी उठा ली थी। कैमरा उसकी हर गतिविधियों को कैद करता रहा जबकि वह उससे बेपरवाह हॉकी संभाले वापस लॉबी में आ गया। ऐसा होते ही लॉबी में मौजूद कमरे वाले युवक ने भी अपना कैमरा ऑन कर दिया। अब नाइट सूट वाला जो भी कर रहा था वो 2 कैमरों में शूट हो रहा था। बाकी लोग खामोशी से उससे उस सब को देख रहे थे जैसे किसी रहस्यमय फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हॉकी संभाले नाइट सूट वाला अब उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जो उस दरवाजे के ठीक बगल में था जिसमें औरत सोई हुई सी मुद्रा में थी। तभी उसके पीछे लपके मगर इस बात का ख्याल रखा कि वीडियो बना रहे युवकों के काम बाधा ना पड़े। नाइट सूट वाले ने इस कमरे के दरवाजे को जोर से ढकेला। वो भी अंदर से बंद नहीं था इसलिए एक ही झटके में खुल गया और उसका खुलना था कि कमरे के डबल बेड पर मौजूद 2 शख्स बुरी तरह हड़बड़ा गए। उनके जिस्म पर पूरे कपड़े नहीं थे। एक करीब 45 साल की अधेर औरत थी, दूसरा करीब 15-16 साल का लड़का। औरत के मुंह से शब्द निकले, मालिक आप। नाइट सूट वाला तो मारे गुस्से के जैसे पागल ही हो चुका था। उसने पूरे ताकत से अपने हाथों में मौजूद हॉकी घुमाई। हालांकि हॉकी औरत को लगी नहीं थी मगर जोरदार चीख के साथ इस तरह अपना सिर पकड़कर दूसरी तरफ उलट गई जैसे वहीं लगी हो और लाश की तरह फर्श पर पड़ी रह गई। नाइट सूट वाले का गुस्सा जैसे कम नहीं हुआ था। उसने दूसरी बार हॉकी घुमाई लेकिन इस बार चैमा और डरा हुआ लड़का ये कहता हुआ बीच में आ गया कि क्या कर रहे हो पापा। सेंटेंस अधूरा छोड़कर एक चीख के साथ वो बेड पर जा गिरा। उसने अपनी कनपट्टी पकड़ रखी थी जबकि सच्चाई ये है कि हॉकी ने उसे छुआ तक नहीं था। उन दोनों का इस तरह गिरना बता रहा था कि उस फ्लैट में किसी पुरानी घटना का डेमो चल रहा था जो कि पुलिस कार्रवाई में किया जाता है। तो क्या हुआ क्या हुआ, बदहवास हालत में चीखती हुई
वह औरत इस कमरे में दाखिल हुई जिसे वे सब पिछले कमरे में सोती सी छोड़ आए थे। कमरे की हालत देखकर वह चिखने वाली मशीन की तरह दिखने लगी और यह क्षण था जब नाइट सूट वाले ने हॉकी एक तरफ फेंककर उसका मुंह दबोच लिया और गुजराती सी आवाज में बोला, चुप चुप रहो इंदू, पड़ोसी जाग जाएंगे। औरत अपने चेहरे पर आतंक और घबराहट के भाव लिए चीखने की कोशिश में केवल गू गू कर रहा था। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर राघवन ने टी शर्ट पहने भारी भरकम चेहरे वाले अधेड़ से सख्त लहजे में पूछा, 4 या 5 जून की रात में यही सब हुआ था ना मिस्टर राजन सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, टी शर्ट वाला अधेड़ लगभग चीख पड़ा। ये सब केवल आप लोगों की कल्पना है, मैं और इंदु तो खामोश, इंस्पेक्टर चिल्लाया, ये राग अलपना बंद करो। कैसे कर दो इंस्पेक्टर, राजन सरकार रो पड़ा, कैसे कर दो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आप ही सोचिए, क्या आप अपने बेटे को मार सकते हो? नहीं मार सकते ना, हमने भी अपने बेटे को नहीं मारा, भला कोई कैसे अपने जिगर के टुकड़े को मार सकता है? इस बार इंस्पेक्टर ने नर्म लहजे में कहा, मानता हूँ तुम्हारी बात। कोई भी माँ बाप अपने सामान्य अवस्था में या यूं कहे कि होशो आवास में अपनी औलाद की हत्या नहीं कर सकते, और तुमने भी ऐसा नहीं किया होगा। दुर्भाग्य से जो होना था बस हो गया। तुमने इस कमरे से सीन ही ऐसा देखा कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो गुस्से की जाति के कारण उसी तरह पागल हो जाता जिसमें तुम हो गए। अपने नाबालिग बेटे को अधीन नौकरानी के साथ देखकर भला कौन अपने होशो आवास में काबू रख सकता है। इसके बावजूद तुमने उन्हें जान से मारने के लिए हॉकी नहीं घुमाई थी, बल्कि सिर्फ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से या कहो तो दुर्भाग्य से हॉकी की चोट मीना के सिर पर ऐसी जगह पर पड़ गई, वो तत्काल मर गई। ऐसा ही दुर्भाग्य काना के साथ हुआ होगा। हॉकी का दूसरा वार भी तुम उस पर नहीं किया था, मीना पर ही किया था। उसे बचाने के लिए काना सामने आ गया, हॉकी उसे लगी और दुर्भाग्य से उसकी भी मौत तत्काल हो गई। नहीं, राजन सरकार जैसे आपने अपने बाल नोच लेना चाहता था। इतनी बार कहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मीना और मेरे बेटे को किसी और ने मारा है सर। और मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि बार बार ये बेसुरा राग अलापने से आपको या आपकी पत्नी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बार इंस्पेक्टर का लहजा उससे समझाने वाला था, बल्कि नुकसान होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप कबूल कर लेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ था, तो आप पर हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादत मर्डर का केस चलेगा। जो हुआ उसे एक एक्सीडेंट माना जाएगा। ऐसे केस में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है सर। जबकि इस सब को कबूल ना करके जो मूर्खता आप कर रहे हैं उसके फलस्वरूप हत्या की धाराएं लगेंगी और उनमें आप दोनों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। इस बात को समझने की कोशिश करिए राजन सरकार। फिर राजन सरकार ने थक हार के कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजन सरकार के जबड़े कस गए, चेहरा सुर्ख हो गया। भले ही रो वो अब भी रहा था, परंतु वो दृढ़ निश्चय के साथ बोला, हम अपने बेटे को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। उसके कातिल को फांसी पर चढ़ाना ही अब हमारा एकमात्र मकसद है। जब उस रात आपके इस फ्लैट में आप चारों के अलावा कोई था ही नहीं और ना ही कोई ऐसा निशान मिला है जिससे साबित होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति फ्लैट में आया या गया हो, तो कोई और कैसे मर्डर कर सकता है? इस वक्त मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल के जवाब नहीं है। हमारे सवालों के जवाब आप कभी नहीं खोज पाएंगे इंस्पेक्टर साहब। बेशक मैं ये काम नहीं कर सकता, मगर इस कायनात में एक आदमी ऐसा है जो पुलिस के हर सवाल का जवाब ना केवल खोज सकता है, बल्कि मुझे और मेरी पत्नी को हत्यारे साबित करने की तुम्हारी पूरी थ्योरी की धज्जियां उड़ा सकता है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हम भी तो सुने, कौन है वो अजमनुष्य हस्ती?